Hello students, welcome to Sarayan's Biology. On the request of my students, I have started to clear some basic concepts in physics. These concepts are very important as it will lay foundation for you in your upcoming classes. We are going to brush up some questions from chapter number 8, motion of the syllabus of class 9. Let's begin. I'm very sure your PT examination will be on the card. So you can have a look at these questions. There are some questions, as you can read through small paper. You can get the PDF of the same. I'll upload it if you need so. Now, let us have a look at the solution and some important concept. हम बारी बारी से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. अगर आप यहां भी ध्यान से सुनते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है. So keep tuned. Let us begin our journey from question number one. Question number one कहता है, an object has moved through a distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer with example. तो सबसे पहले यहाँ दो टर्म है, distance और displacement. Distance और displacement के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. इस डायग्राम को देखिए. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका स्कूल है और यहाँ आपका घर है. यदि आप स्कूल से घर लौट रहे हैं तो आपने ये रास्ता लिया, ये रोड से यहां तक पहुंच गए. सो जितना टोटल लेंथ आपने ट्रैवल किया, दैट इज द डिस्टेंस. एंड यदि स्कूल से घर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. राइट, सो इस डायग्राम में आप देख लीजिए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. Whereas actual length of the path traveled is called as distance. Yes, an object can have zero displacement. कब? जब उसके starting point और finish point same रहेगा. आप यहां देखिए, इस केस में देख लीजिए, एक सर्कुलर पाथ है, एक बच्चा दौड़ना शुरू किया, दौड़ के चला और वापस से इसी पॉइंट पर आकर फिनिश करता है. तो इस केस में what can be the distance? Distance can is equal to the perimeter of the circle, and perimeter of circle is 2 pi r. अगर आप 2 pi r का इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो इससे आप distance travel निकाल सकते हैं. लेकिन displacement क्या हुआ? क्योंकि initial position and final position both are same, hence it is going to be zero. आप सीधे रास्ते में भी देख लीजिए, x is the distance from home to school and coming back. Let's say this is a straight path, seedhi line hai. To distance travel kitna hua jaakar aane mein? X aur plus x, which is 2x. Lekin displacement kya hua? X aur minus x. Aisa isliye ho raha hai kyunki displacement has got a direction. Aap agar ek direction ko choose karte hain, then you have to continue with that. Agar apne direction change kiya, to displacement ki value negative hoti jayegi. Yani अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जब तक सीधे चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप लौट कर वापस इस पोजीशन पे आएंगे, आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी और जब ओरिजिन में आएंगे तो ये जीरो हो जाएगी. और यदि ओरिजिन से और आगे आएंगे, देन इट विल बिकम नेगेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल जीरो इफ इट कम बैक टू इनिशियल पोजिशन. एंड एग्जाम्पल, जॉगिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए. हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है मॉर्निंग में जॉग करना, और अक्सर जो फील्ड होते हैं वो सर्कुलर होते हैं. तो सर्कुलर फील्ड में अगर आप जॉगिंग करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड फिनिश देयर इटसेल्फ. चाहे कितना भी चक्कर लगा लीजिए, यदि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है, दैट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो. राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल और रखा है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर पाथ. अगर सेमी सर्कुलर पाथ है, बॉडी ए से बी तक ट्रैवल करती है, देन व्हाट हैपेंस? द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी आर प्लस आर, क्योंकि रेडियस आर है एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज गोइंग टू बी पाई आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारे सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगा. सो आई होप द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये बहुत सरल सवाल है. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. यहाँ पे कोई
मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाना है. एंड व्हेनेवर यू डू दैट यू शुड रिमेंबर इनके डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए. अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा. ये तीन बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन बड़े काम के फॉर्मूलाज हैं, राइट. सो पहला क्या करेंगे, हम यूनिट को सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है दैट इज गिवन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स को पहले कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, विच मीन्स 300 सेकेंड. और यदि 300 सेकेंड की बात करें, देन वी हैव टू मेक इट 3×10². हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10² का मतलब होता है 100. ये साइंटिफिक नोटेशन है. यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर आपको दिखाई दे रहा है. इट शुड बी 10⁻⁸, राइट. तो डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला तक आते हैं डिस्टेंस के लिए. स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 300 सेकेंड, यानी 3×10⁻². कुल मिला के मल्टीप्लाई कीजिए, 3×39×10⁻¹ meters. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. तो फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरपोलेट करने की कोशिश कीजिए, और व्हाट इज बीइंग आस्क्ड यू कैन फाइंड आउट. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको ग्राफिकल रीडिंग समझ आना चाहिए, यानी चार कार ABCD मूविंग ऑन अ लेवल रोड, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ है. आप देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां इसकी समझ बहुत जरूरी है. दिस इज कॉल्ड स्लोप. किसी भी ग्राफ में अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करें और कोई स्ट्रेट लाइन लें, दिस इज कॉल्ड द स्लोप. जितना एंगल यहां बनेगा, दिस एंगल, वो एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, और स्लोप जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो देखिए जरा यहां पे CDAB, सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, सबसे बड़ा एंगल है सी के साथ, फिर डी, फिर ए और फिर बी, यानी बी इज स्लोएस्ट. अगर आप इसको लिखना चाहें रिलेशनशिप में, तो स्पीड ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ डी, एंड दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, और दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी. तो आपने इसे इस तरीके से अरेंज कर लिया. अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, कार ए इज फास्टर देन डी. ए इज फास्टर देन डी, नहीं, गलत है, डी इज फास्टर देन ए. कार बी इज स्लोएस्ट, जी हाँ बिल्कुल, कार बी इज स्लोएस्ट, ये सही उत्तर है. क्या कोई और भी आंसर सही है? कार डी इज फास्टर देन सी. कार डी इज फास्टर देन कार सी, राइट. इट शुड बी कार सी. नहीं, कार सी से स्लोअर है, और कार सी इज स्लोएस्ट, बिल्कुल नहीं, कार सी इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक इन टू द ग्राफ, और आप मीनिंग वहां निकाल सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप जरूर इसे ध्यान से समझें, ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट करेंगे. अगले सवाल पे, ये सवाल है एवरेज स्पीड का. एवरेज स्पीड का सवाल अक्सर पूछा जाता है, और बच्चे बहुत सिंपली यहां गलती करते हैं. करते क्या है, सिंपली दोनों स्पीड, दोनों तरफ की स्पीड को जोड़ देते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि यहां होगा, व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल अब्दुल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h. ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक, सो एवरेज स्पीड इज 30 km/h. व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप. अब अक्सर बच्चे बनाते वक्त क्या गलती करते हैं, 20+30 यानी 50/2, 25 km/h, और ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है. ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है. मान लेते हैं ये दो पॉइंट है ए और बी, ए घर और बी स्कूल. सो ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो आप उसे इंडिकेट कर लीजिए डी से, लेट द डिस्टेंस बी डी. तो जाने के लिए डिस्टेंस डी, और आने के लिए, बिल्कुल सही, आने के लिए भी डिस्टेंस डी. दैट मीन्स distance travel to reach the school is equal to distance travel to reach the home.
और एवरेज स्पीड वाल गोइंग कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर वाइल कमिंग 30 किलोमीटर पर आवर, तो हम उसे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट आपको याद है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम को टी वन ले लेते हैं, तो टी वन की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस इज डी स्पीड इज 20, सो डी बाय 20 आवर। उसी प्रकार से लौटने के लिए टाइम विल बी डी बाई 30 आवर, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिजल्ट छोटा होगा, यानी टाइम कम लगेगा। अगर बॉडी ज्यादा स्पीड से चल रही है देन टाइम विल बी लेस, सो टी वन डी बाई 20, टी टू डी बाई 30। अब चलते हैं आपके एक्चुअल फॉर्मूला पे, एवरेज स्पीड आपने पढ़ा होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ डी प्लस डी, और टोटल टाइम कितना हुआ टी वन प्लस टी टू, यानी अब इनको आप जोड़े तो 2d by d by 20 plus d by 30, and if you calculate it, it comes to be 24 kilometers per hour, यानी ये 25 ना होके 24 है, right? चलिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। मान लेते हैं एक बॉडी ए से बी तक गई, उसकी स्पीड x माइल या x किलोमीटर पर आवर है, यूनिट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, आप जो भी यूनिट रखे आंसर उसी यूनिट में आएगा, और लौटने में उसकी स्पीड y माइल्स पर आवर है, then you take this magical formula. This formula is very, very important. आप देखिए यहाँ पे 2xy divided by x plus y, 2xy divided by x plus y, where x is speed for going to the destination, y is speed for coming from the destination. Let's see. 24 किलोमीटर हमारा उत्तर है, क्या यहाँ भी वो प्रूव हो पाता? Let's see. Okay. 2 into 20 into 30 divided by 20 plus 30. That means 1200 by 50. 24 किलोमीटर पर आवर, बिंगो। दिस इज हाउ यू कैन चेक, क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं देन यू हैव टू यूज द शॉर्टकट, यू कैन नॉट गो विद अ लॉन्ग कट फॉर्मूला, राइट? सो व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू कीप अ कलेक्शन ऑफ दीज शॉर्टकट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसकी एग्जाम्पल दीजिए। कंडीशन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, क्या पॉसिबल है? बी, an object moving with an acceleration but with uniform speed, speed mein koi change nahi, speed is equal to zero, and third, object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction. Chaliye ek ek statement ko examine karte hain. Pehla statement, object with a constant acceleration but zero velocity. Maan lete hain aapne ek patthar ko feka, patthar ko aap jaise upar fekte hain to what happens, patthar upar ki or ja rahi hai lekin is pe acceleration kidhar lag raha hai, downward, because it is being pulled by the earth's gravity. So acceleration is downward and velocity is upward. एक ऐसा पॉइंट आता है जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, then also the gravitation is acting towards downward. यानी acceleration अभी भी उस पे act कर रहा है लेकिन velocity is zero. तो क्या लगता है आपको? Yes, it is possible. जब किसी object को हम air में throw करते हैं, so acceleration due to gravity is acting on it, but जब ये maximum height पे पहुंच जाता है, then velocity becomes zero. Keep in mind, that's why the thing comes back to you when you throw it up. Sochega, kya koi aisi tarkeeb hai jisse hum kisi cheez ko fekein aur wo niche hi na aaye? That's an enrichment question for you. Think over it. Second condition, an object moving with acceleration but uniform speed. Agar object accelerated hai, yahan hum baat speed ki kar rahe hain, yani there is no change in direction. Speed mein koi direction ka change nahi hai. Aisa possible nahi hai. Uniform speed है, यानी initial और final speed same है, यानी acceleration zero, तो ये condition possible ही नहीं है. Acceleration will be zero if there is no change in speed. अगर यहाँ velocity की बात होती तो बात कुछ और होती. An object moving with in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. बिल्कुल सही. आप जब circular motion को देखते हैं, तो मैंने बताया आपको कि बॉडी इज मूविंग इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर होता है सर्कल के उस पॉइंट से, और उस पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा होता है, सेंटर की तरफ, राइट? सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. दीज बेसिक्स विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट and apply it in some other situation. Last question, इस paper के लिए, speed और velocity में difference और distance और displacement में difference. हमने distance और displacement को question number 1 में बहुत details में देखा है, अगर आप चाहें तो rewind करके देख सकते हैं. बहरहाल speed और velocity, जब बात करते हैं speed की, so what is speed? Displacement
या डिस्टेंस, स्पीड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड. सो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड है बट इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन. तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्पीड क्या हो सकती है, जीरो. बट बॉडी मूव कर रही है, देन स्पीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेगेटिव हो. यानी दो इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड कोई जीरो कहता है यानी द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज टू बी पॉजिटिव स्पीड. वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यानी हम डिस्टेंस को भी यहां पे ध्यान में रख रहे हैं. एंड डिस्टेंस इज कंसिडर्ड, सो इट हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है. सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, यस, इफ इट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन. इट कैन बी नेगेटिव, इट रिटर्न बैक एंड मूव्स टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. इट कैन बी जीरो, तीनों कंडीशन हो सकता है. यहां एग्जांपल देख लीजिए, स्पीड सिंपली टेल्स यू हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, बट वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन, अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दीजिए देन इट विल बिकम वेलोसिटी, राइट. इस कार्टून में आप देखिए what is moving forward, if it is moving forward speed is 25 meter per second, velocity is also 25 meter per second, but opposite direction change karte speed is 25 meter still but velocity is minus 25 meter per second. This minus sign shows the body is moving in opposite direction. Next question, distance and displacement. I think aap sabhi ko concept bahut clear hoga. Distance, length of the actual path traveled by the body. Displacement, shortest distance traveled by the body. Distance, scalar quantity. Displacement, vector quantity. Distance always positive, displacement zero, positive and negative. Distance greater than or equal to displacement hoga, you know, but displacement can never be less than distance. Jaise unit dono ka ek hi hai meter, aur distance never decreases with time, but displacement can decrease with time, right. So humne jo pehla assume kiya, थोड़ा सा उसको फॉर्मूला के आधार पे देख लेते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज यहां से यहां तक अगर आप लेंथ निकालेंगे विच इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई इनटू आर, पाई का वैल्यू 3.14 और आर. सो द आर्बिट्ररी वैल्यू, अब आर की वैल्यू कुछ भी हो, जो भी हो आप वहां पुट कर दीजिए. सो इट इज 3.14 आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस रेडियस प्लस अनदर रेडियस, दैट मीन्स डायमीटर. अगर ये बॉडी डायमेट्रिकली प्रेजेंट है यहाँ पे देन वी कॉल इट दिस आर प्लस आर टू आर. तो यहाँ आपने देखा डिस्प्लेसमेंट 2R, डिस्टेंस 3.14R, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस. छोटी सी बात और कर लेते हैं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो सकती है? हो सकती है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे ए टू बी and it does not change direction, yani a se b tak dono gaye to dono ka jo distance travel hua, let's say it is x and displacement is also x. So but condition apply karna hai, direction change nahi karna hai aur movement in a straight line, seedhi rekha mein move kare body aur koi direction change na ho. So I'm very sure these basic concepts will help you to improve your physics. I'll come with more numericals, more problems, and more conceptual clarity. Till then, tune in to Sarans Biology. You can like, comment, share, and subscribe the channel for more updates. You can comment to me if you want more material like this. Till then, have a great day. Keep practicing, keep improving every day. Bye-bye.